कोफिशेंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन के टॉपिक के अंदर इमेजिन करें आपके पास एक सोलेनोइड है, ये रहा एक सोलेनोइड, इस सोलेनोइड में आई करंट है। इस चैप्टर की खास बात है, सुन लो, मैं बोलूं या ना बोलूं, आप शक्ल देख के तो बिल्कुल नहीं बता सकते आई की कि ये करंट कांस्टेंट है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। आई तो आई है ना, तुम्हें क्या पता इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तुम्हें क्या पता क्वेश्चन में कांस्टेंट है। तो जब न्यूमेरिकल आएंगे फोटो देख के तो ना बताओगे। इस चैप्टर में अगर मैंने टॉपिक सेल्फ इंडक्शन का लिया, गारंटेड है करंट कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर करंट कांस्टेंट हो गया तो बी इज म्यू नॉट एन आई, बी कांस्टेंट हो गया, और अगर बी कांस्टेंट हो गया तो फिर इस टॉपिक को पढ़ने का मतलब क्या है, क्योंकि कोई लड़ाई होगी नहीं। लड़ाई तो तब होगी जब बी या ज्यादा होगा या बी कम होगा, बी तो चेंज ही नहीं होगा कांस्टेंट करंट में, इसलिए सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक वहां पर बनता ही नहीं है। तो आपने ये नोट किया होगा कि ये जो बात मैं आपको अब बता रहा हूं कि सोलेनोइड में अगर आई करंट गया तो सोलेनोइड आपके करंट को बढ़ने या कम होने नहीं देता, ये बात मैं आपको तब भी बता सकता था पिछले महीने जब हमने सोलेनोइड का टॉपिक किया था। तब क्यों नहीं बताया, तब तो ऐसी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती थी, अभी इस महीने आई है। क्यों? क्योंकि करंट कॉन्स्टेंट था, पिछले चैप्टर में करंट चेंज ही नहीं हुआ सोलेनोइड में, इसलिए सेल्फ इंडक्शन हुई नहीं, करंट में अपोजिशन हुई नहीं। पर इस चैप्टर के अंदर करंट हम बार बार क्या कह रहे हैं, चेंजिंग करंट, करंट चेंज होना जरूरी है ताकि बी चेंज होना जरूरी है, ताकि फ्लक्स चेंज होना जरूरी है। तो मैं बोलूं या ना बोलूं आज के बाद, इस चैप्टर में आई हमेशा क्या करना है, चेंज, या तो मन में मान लें इंक्रीज हो रहा है या मन में मान लें डिक्रीज हो रहा है, पर कॉन्स्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं मानना। अगर कॉन्स्टेंट मान लिया ये टॉपिक स्टार्ट ही नहीं हो सकता, ठीक है, ये टॉपिक आएगा ही वेरिएबल करंट में। आगे तो मान लेते हैं कि आपके पास मान लो एक सोलेनोइड है और सोलेनोइड में आई अमाउंट ऑफ करंट है जो आप इंक्रीज या डिक्रीज जो भी चाहें वो कर सकते हैं। अब ये सोलेनोइड है, जब इस सोलेनोइड का आई पास करेंगे तो एक्सिस पे बी होगा, अब बी भी चेंजिंग है, आई चेंज होगा तो बी भी चेंज होगा। इस सोलेनोइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ये मान लो एरिया एक टर्न का, तो एक लूप का फ्लक्स क्या होगा, बी इंटू ए, और टोटल फ्लक्स क्या होगा, एन नंबर ऑफ टर्न से क्या कर देना, इसे मल्टीप्लाई, ठीक है, एक लूप का, क्योंकि एन नंबर ऑफ लूप्स हैं, एक लूप का फ्लक्स क्या होगा, बी इंटू एक लूप का एरिया, और एन नंबर ऑफ टर्न है तो एन, तो ये क्या आ गया, टोटल फ्लक्स आ गया। और टोटल फ्लक्स में बी की जगह क्या पुट कर सकते हैं, म्यू नॉट एन आई, ऐसे ये पुट कर सकते हैं म्यू नॉट एन आई। तो आपने एक चीज नोट की, जो फ्लक्स है वो फर्दर किस पे डिपेंडेंट है, आई पे, नो डाउट बाकी फैक्टर पे भी डिपेंडेंट है, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं साथ में ये भी कह रहा हूं जो फ्लक्स है वो आई पे डिपेंडेंट, जितना ज्यादा आप करंट इसमें इंक्रीज करेंगे इसका फ्लक्स उतना ही ज्यादा चेंज होगा। क्लियर है यहां तक? तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो फ्लक्स है वो आई पे डिपेंडेंट है, और भी फैक्टर्स हैं, ये देख रहे हो और भी फैक्टर्स हैं, तो ये देखो फाई आई पे डिपेंडेंट है और यहां एक कॉन्स्टेंट लग गया एल, एल को बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, बड़ा एल, ये लेंथ नहीं है, ये कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है। तो आप कहोगे ये एल कहां से आ गया, देखो इस एल के अंदर ये सारी चीजें छुपी हुई हैं, एन, एरिया, म्यू नॉट, सब छुपा लिया, सिर्फ करंट को दिखा दिया और बाकी सब कॉन्स्टेंट मान लिया। तो ये कॉन्स्टेंट टर्म है वो क्या है, एल, और इस एल के अंदर बहुत चीजें छुपी हुई हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ सोलेनोइड, एरिया, लेंथ, बहुत चीजें हैं, पर मैं उन बहुत चीजों को खोलना नहीं चाहता, तो मैंने यहां पर क्या कर लिया, एल लिख लिया। तो सोलेनोइड के अंदर अगर आई चेंज हो रहा है तो उसका फ्लक्स क्या होगा, एल इंटू आई। अब ये नोट करने वाली बात ये है, इसमें ये फ्लक्स में एल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स छुपे हुए हैं, तो ये पूरे सोलेनोइड का टोटल फ्लक्स है ऑफ ऑल टर्न्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एक टर्न का फ्लक्स नहीं है, फाइव इक्वल टू एल आई, फाइव इक्वल टू एल आई पूरे सोलेनोइड का टोटल फ्लक्स है। क्लियर है? तो फॉर्मुला रजिस्टर में ये फॉर्मुला नोट कर सकते हो, फाइव इज इक्वल टू एल आई, वेयर एल इज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और फाइव का मतलब टोटल फ्लक्स है, एक टर्न का फ्लक्स नहीं है। क्लियर है यहां तक? अब उस सोलेनोइड के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी पैदा हुई, फैराडेज का लॉ, माइनस डी फाइव बाई डी टी, फाइव की जगह क्या पुट करेंगे, एल आई, एल बाहर आ गया। ये फॉर्मूला है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपके एनसीईआरटी बोर्ड के अंदर पक्का क्वेश्चन आएगा, इज माइनस एल डी आई बाई डी टी, नोट कर लें, एक कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी पैदा होती है, माइनस
एल डी आई बाई डी टी। एल जो मेजर करते हैं उसके यूनिट्स होते हैं हेनरी, हेनरी साइंटिस्ट ने किया था हेनरी, तो एल एस आई यूनिट हेनरी गिवन होता है एल आपको हमेशा। अब आप ये सोचें अगर आपका करंट किसी भी सोलेनोइड में कॉन्स्टेंट है, आई कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंसिएशन इज जीरो, तो फिर ई एम एफ ई क्या हो जाएगी? जीरो। इसलिए पिछले चैप्टर में करंट कॉन्स्टेंट था, इंड्यूस्ड ई एम एफ पैदा नहीं होती थी, इसमें पैदा होगी। कोई डाउट इसमें? फॉर्मूला नोट कर लिया यहां पर, ई इज माइनस एल डी आई बाई डी टी, क्लियर है यहां तक? अब एक और बात, इस सोलेनोइड में करंट चेंज हुआ, करंट चेंज हुआ डी आई बाई डी टी, तो ई एम एफ पैदा हुई, ऐसा ही हुआ। तो आज के बाद इस सोलेनोइड को इस चैप्टर में सोलेनोइड नहीं बोलते, इंडक्टर बोलते हैं, इंडक्टर, क्योंकि ये अपने अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करता है, इसलिए इसका नाम इंडक्टर। तो कहोगे पिछले चैप्टर में नाम सोलेनोइड क्यों? क्योंकि उसमें इंडक्शन नहीं हुई थी, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा नहीं हो पाई थी, तो नाम पुराना रखना पड़ा सोलेनोइड। लेकिन इस चैप्टर में इसका नाम इंडक्टर रखा जा सकता है, क्योंकि चेंजिंग करंट की वजह से ये इंडक्टर हो गया। समझ में आ रहा है? तो सोलेनोइड और इंडक्टर एक ही बात है, पर ये नाम कहां से पड़ा समझ में आ रहा है? नाम पड़ा क्योंकि करंट चेंज होने से ये ईएमएफ को इंड्यूस कर लेता है, इसका नाम इंडक्टर है। कोई डाउट इसमें? ठीक है।